हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा। स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए यहां पे लेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। कोई सा भी चॉकलेट आप ले सकते हैं, डार्क वाला, कोई से भी ब्रांड का। मैं अमूल का ले रही हूँ। तो इसे बारीक कट कर लेंगे चॉकलेट को। जैसे ही चॉकलेट कट हो जाएगा, हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकेंड के लिए, यानी कि चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बटर डाल के आप मेल्ट करें। तो 30 सेकेंड का टाइमर लगाएंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। 30 सेकेंड बाद इसे एक बार मिलाएंगे अच्छे से। अगर नहीं हुई है चॉकलेट मेल्ट, तो वापस से 30 सेकेंड के लिए करेंगे। आप कभी भी चॉकलेट ना 30 सेकेंड के ही टाइमर पे चॉकलेट को मेल्ट करें, 1 मिनट का टाइमर ना लगाए। इसे क्या होगा ना, चॉकलेट बहुत ये हो जल जाती, तुरंत चॉकलेट जल जाती है। इसलिए 30 सेकेंड का ही टाइमर चॉकलेट में लगाया जाता है मेल्ट करने के लिए। तो देखिए, परफेक्ट तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं डाली हूँ कंडेंस मिल्क। आप कोई सा भी शुगर का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल शुगर जो हम लोग खाते हैं, या फिर ब्राउन शुगर, कस्टर्ड शुगर, कोई सा भी शुगर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो। इन्हें मिक्स कर देंगे। इस पर डालेंगे मैदा। तो मैदा मैं यहाँ पर ग्राम में 200 ग्राम ले रही हूँ। कोको पाउडर 4 चम्मच के करीब मैं कोको पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चॉकलेटी केक बनाना है ना, इसलिए आप कोको पाउडर को कम भी कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो 1/4 बेकिंग सोडा लेना है और 1/2 बेकिंग पाउडर लेना है। तो इन्हें मिक्स कर देंगे सारे मटेरियल को और इसे इस तरह से हम छान लेंगे। केक जब भी बनाए तब छलनी से जो बैटर है उसको ज़रूर छाने, जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको ज़रूर छाने, क्योंकि लम्स वगैरह पड़ सकती है। और इन्हें हम कटवाई फुल मीटर से हम इसे मिला लेंगे। इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का आप दूध लें, फ्रिज या फिर ठंडा दूध का यूज आप ना करें, या गर्म दूध का। तो हमें बटर का जो थिकनेस है इतना रखना है, इसे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमें माइक्रोवेव में केक को बेक करना है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप डालें, या पसंद है तो, या तो स्किप करें। इसकी जगह पे आप अखरोट भी डाल सकें ड्राई फ्रूट की जगह पे। तो ये परफेक्ट बटर तैयार है। अब चलते केक तेल को तैयारी करने के लिए। यहाँ पर बटर डालें और बटर पेपर पर हम यहाँ पर बटर डालकर मिला देंगे। इसे क्या होगा, बटर पेपर पे केक का बैटर नहीं चिपकेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे बैटर को। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, डार्क कंपाउंड चॉकलेट ही डाल रही हूँ। चॉकलेट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप चॉकलेट डालेंगे ना तो इसके जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग आते हैं। आप इसे ज़रूर डालें और थोड़े से ड्राई फ्रूट। ओवन को प्रीहीट कर लेना है और इसके लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम इसके को वेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं 20 मिनट के टाइमर लगाऊंगी 200 डिग्री पे। और बीच में एक बार इसे ज़रूर चेक करें, 10 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक करें केक बनकर तैयार हुई है या नहीं, क्योंकि कभी कभी माइक्रोवेव में पहले भी केक बन जाती है और कभी कभी नहीं बनी रहती है। तो जैसे टूथपिक लगा के आप चेक करें कि केक बनकर तैयार हुई है या नहीं। अगर टूथपिक साफ़ निकले तो केक बन चुके हैं, और गीले निकले तो नहीं हुए। इसके बाद और आप बेक कर लें अगर कच्चे हैं तो। तो ये 10 से 12 मिनट में ये मेरा परफेक्ट केक बनकर तैयार है। 20 मिनट से मैंने लगाया था टाइमर, तो ये देखिए कितने बढ़िया से बेक हुए हैं ना। इसे मैं कट करके एक पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। गर्मी एंड होने वाली है, इससे पहले ही आप इस रेसिपी को ट्राई करें। आप चाहे तो इसमें सीजलर भी लगा कर सकते हैं केक को, आइसक्रीम के साथ, ब्राउनी विद आइसक्रीम के साथ, या तो फिर इस तरह से भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक
कट करके और दिखाती हूँ। देखिए कितने जाली बने हैं ना, कितने बढ़िया सा दिख रहा है ना पीछे, और आगे दोनों बहुत ही अच्छे से बेक हुए, दोनों साइड से परफेक्ट तरीके से बेक हुए हैं। मैं सीजन प्लेट को डाल रही हूँ, गैस को फ्लेम को हाई कर रही हूँ, 5 मिनट तक इसे जलने देंगे, उसे ट्रे में डालें। ये बिल्कुल गर्म है, थोड़ा सावधानी से रखें। और यहाँ पे केक डालें आप, यहाँ पे अगर सीजर प्लेट नहीं है तो माइक्रोवेव प्रूफ कोई भी प्लेट है जो डालें, थोड़े से गर्म करके उस पर केक डालें और आइसक्रीम डालें, खा सकते हैं। यहाँ पे मैं वनीला आइसक्रीम का यूज़ कर रही हूँ, कोई सा भी आइसक्रीम का यूज़ कर सकते हैं अपने मनपसंद, लेकिन इसमें वनीला ज़्यादा जमती है, चॉकलेट है ना। और यहाँ पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ, आपको जितना मनपसंद है ना चॉकलेट डालें और इंजॉय करें। मेरे फैमिली को तो ये बहुत पसंद आई, मेरे बच्चे को खास करके, मेरे बेटा का तो ये फेवरेट वाली आइसक्रीम विथ केक है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। बाय दोस्तों।